नमस्कार पीएमई विद्या चैनल नंबर नौ देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं गीतांजलि तो बच्चों आज हम आपके लिए सब्जेक्ट साइंस लेकर आए हैं और आज नाइन्थ क्लास के लिए क्या कुछ खास है हमें बताएंगी हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रियंका वाशनी असिस्टेंट प्रोफेसर लेडी अरविन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीधा उनके और रुक करें मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार मैम कैसी हैं बिल्कुल एकदम बढ़िया मैम और बच्चे जो हैं इंतजार कर रहे थे साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे कभी कभी थोड़ा उन्हें बहुत टफ भी लगने लगता है साइंस और मैथ्स दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं लेकिन अगर क्लास जो है ढंग से मिले बच्चे को आ, आ, पढ़ना ढंग से मिले तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है तो आज साइंस को इजी बनाने के लिए क्या कुछ खास स्पेशल तरीके से आप बच्चे को क्लास बिल्कुल सही कहा आपने गीतांजलि जी आ, कि एक जो ये हमारे आसपास एक जो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक परसीव्ड नोशन हो गया है साइंस को लेके मैथ्स को लेके कि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं और हम इनको कैसे पढ़ेंगे इसको तोड़ने की बहुत जरूरत है क्योंकि साइंस हो चाहे मैथ्स हो दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं और बिल्कुल ठीक कहा आपने इसमें इस बात की भी बहुत भूमिका रहती है कि हम किस तरह से इनको समझते हैं किस तरह से पढ़ाया, पढ़ाया जाता है, जाता है। ये तो आज मेरा बिल्कुल, बिल्कुल यही प्रयास रहेगा कि बच्चे जो हैं वो डिटेल में और एक एक करके हम कॉन्सेप्ट को लें और आराम से समझें बिल्कुल शुरू करते हैं ठीक है तो मैं सबसे पहले तो सारे विद्यार्थियों को कहना चाहूंगी नमस्ते अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरी और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो नाइन्थ क्लास साइंस का एक टॉपिक है जिसका नाम है एनिमल टिश्यूज़ तो चलिए शुरू करते हैं जी बिल्कुल <laughs> So, uh, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स आपको कि आज के सेशन में हम क्या क्या बात करने वाले हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे टिश्यूज के बारे में कि टिश्यूज क्या होते हैं जिसको हम हिंदी में ऊतक भी कहते हैं कि ऊतक क्या होते हैं टिश्यूज क्या होते हैं दूसरा हम ये समझेंगे कि अगर हम प्लांट्स में बात करें टिश्यूज की और एनिमल्स में करें तो बेसिकली किस तरह से थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है इनकी प्रकृति में इनके नेचर में तो उसको हम समझेंगे इसके अलावा आज के सेशन में फोकस मेरा रहेगा एनिमल टिश्यूज पे जहां पे हम ये समझेंगे कि कितने टाइप्स के एनिमल टिश्यूज होते हैं और एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू पे मैं बेसिकली फोकस करना चाहूंगी आज के सेशन में तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स बिल्कुल और सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यूज क्या है तो आ, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपने जो सेल वाला चैप्टर है कोशिका वाला चैप्टर है वो पढ़ लिया है और अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमारे एथ क्लास में भी ये टॉपिक डील होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी रहती है यानी कि सेल से मिलकर बनी होती है हुँ, हुँ. तो जैसे अगर हम अमीबा को देखें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो इसमें सारे फंक्शन मैम हो जाते हैं जैसे कि अगर हम फूड इंटेक की बात करें या फिर एक्सक्रीशन की बात करें कैशियस एक्सचेंज की बात करें तो देखने में तो हमें ऐसा लग सकता है स्टूडेंट्स ये सिर्फ एक ही सेल है तो इसमें इतनी सारी चीजें कैसे कैसे होती होती है बट अमीबा इज इन इसको ऐसा नहीं है कि इसमें किसी चीज की कमी है इट इज एबल टू लिव इट्स फुल लाइफ सिमिलरली अगर हम देखें तो अलग तरह के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनको हम मल्टी सेलूलर ऑर्गेजम्स भी कहते हैं जैसे अगर हम एनजियोस्पर्म्स की बात करें प्लांट्स में जैसे ट्री हो गया या फिर जामुन ट्री हो गया या फिर हम आ, एनिमल्स की बात करें जिसमें ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें right. तो हम लोग भी एनिमल ग्रुप में ही आते हैं बायोलॉजिकली तो इनकी बात करें तो यहाँ पे हमें एक डिफरेंस जो मैं हम देखने को हमेशा से मिलता है वो ये होता है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी मल्टी सेलर होती जाती है वहां पे एफिशिएंसी और फंक्शनिंग बढ़ता जाता है तो अगर हम अपने ही शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स हैं अलग अलग हमारे सिस्टम हैं और जो अलग अलग काम करते हैं जैसे कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो वहां पे हमारी बहुत सारी मसल्स काम कर रही हैं जो ऑक्सीजन को अंदर लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद कर रही है अभी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ तो मैं हाथ हिला रही हूँ आई कोर्डिनेशन कर रही हूँ इसमें भी एक मसल्स इन्वॉल्व है ऐसे ही जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने का जो पोषण है वो हमारे सारे सेल्स तक कैसे पहुंच रहा है तो ब्लड है जो उसको लेके जा रहा है माध्यम ब्लड है माध्यम ब्लड है इसी तरीके से वेस्ट डिस्पोजल होता है उसके लिए भी कुछ ऑर्गन काम करते हैं तो ऐसे अलग अलग सिस्टम है हमारी बॉडी में तो क्योंकि हम मल्टी सेलर तो अलग अलग पार्ट हमारी जो बॉडी का है उसने एक स्पेशलाइजेशन uh, कह सकते हैं ले लिया है जिसकी मदद से हम काम को बहुत ही एफिशियंटली करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आप बात करें आज के टॉपिक की टिश्यू की तो हमने सेल्स को देखा हमने सिस्टम को देखा अब टिश्यू की पोजीशन

अब देखते हैं कि किस किस तरह के होते हैं <laughs> बिल्कुल तो एनिमल्स में अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो कई तरह के टिश्यूज मिलते हैं देखने को और अगर हम एक प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग लें तो इसमें चार तरह के जो प्राइमरीली टिश्यूज होते हैं वो उनकी मैं बात करूंगी मैम तो एक टिश्यू होता है एपिथिलियल टिश्यू जिसको हम कहते हैं और एक होता है कनेक्टिव टिश्यू एक होता है नर्वस टिश्यू टिश्यून एक होता है मस्कुलर टिश्यू मसल टिश्यू तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है मसल को और नर्वस को तो हम सीधे सीधे समझ ही पा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू बिल्कुल हाँ, ठीक कह रही हैं। अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो पता ही चल रहा है कि समथिंग हैज टू डू विद द मसल्स और अगर नर्वस टिश्यू की बात करें तो समथिंग हैज टू डू विद द नर्वस लेकिन एपिथिलियन और कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा सा समझने की जरूरत रहती है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को समझें तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है अगर आम भाषा में मैम ये कहूंगा कि एपिथेलियल टिश्यू प्राइमेली वो टिश्यू है जो कहीं ना कहीं कवरिंग का काम कर रहा है हुँ। तो जैसे स्किन है हमारी हुँ। तो स्किन हमारी बॉडी को कवर कर रही है इंटरनल ऑर्गन जितने भी है हमारे उसको कवर कर रही है दिल्कुर, दिल्कुर। तो इसीलिए यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवरिंग का काम कर रहा है सिमिलरली okay. हमारे माउथ की जो इनर hmm. लाइनिंग है हाँ, हाँ. वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं okay. यहाँ से फेरिंग्स इसोफेगस हमारा सिस्टम होता है hmm. वहां पे भी इनर लाइनिंग होती है गले के पास गले के जसे पास से वो भी जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग hmm. होती है hmm. 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 अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में भी एपिथेलियल टिश्यू hmm. होते हैं hmm. तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि कवरिंग की बात चाहे बाहर हो या इनर भी हमारी जैसे हमारी इनर बॉडी ऑर्गन है हमारे बॉडी पार्ट्स है उनकी भी कवरिंग बहुत ज्यादा जो है वो हम देखते हैं फ्रीक्वेंटली टिश्यू से होती है, होती है। जैसे की एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ तो अगर सिस्टम की बात करें तो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो एयर अंदर जा रही है अब एयर अंदर जा, कहाँ जाती है लंग्स में जाती है तो लंग्स में फाइनली उस एयर के साथ क्या होता है तो ये होता है कि लंग्स के अंदर जब हम बिल्कुल फाइनल लेवल पे जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बॉल की तरह जैसे ग्रेप्स की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एलवियोलाय कहते हैं लंग्स

अच्छा। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंचती है तो एल्वियोलाई की जो वॉल है और जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उनमें दोनों में एपिथिलियल टिश्यू होता है अच्छा और वो इतना मैं कह सकती हूँ फ्लैट होता है इतना परमिबल होता है कि जो ज्यादा ऑक्सीजन हमने ली है वो हमारे ब्लड में चली जाती है एक्सचेंज होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां ज्यादा है वो हमारे लंग्स में आ जाती, आ जाती है।, है तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है okay. तो, तो जैसे बच्चों अभी हाँ। तक आप यही सोचते थे कि ये सब होता कैसे कई बच्चों के दिमाग हाँ। में होती है बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम लेते तो ऑक्सीजन है और जब बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो कैसे तो ये पॉइंट जो है बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है जी मैम बिल्कुल ठीक कहा आपने और ये जरूरी भी है कि हम समय समय पे कुछ कुछ उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं जो डाउट्स होते हैं उनको हम क्लियर करें तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अलावा इनर हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं कैविटीज होती है वहां पे भी लाइनिंग कई कई जगह एपिथेलियल टिश्यूज की होती है थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े तो स्टूडेंट्स ये देख पाएंगे मैम कि यहां पे कई कई एरिया जैसे मैं अभी बता रही थी माउथ है तो फर्स्ट डायग्राम जो मैं शो कर रही हूँ पिक्चर जो है वो स्टूडेंट्स को दिख जाए थोड़ा सा जी सो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पहला जो डायग्राम है वो ओरल म्यूकोसा का होता है और जो दूसरा डायग्राम दिख रहा है वो हमारा ब्लड वेसल्स का है और तीसरा जो है वो लंग्स का है तो यहाँ पे तीनों जगह जो है वो डायग्राम बहुत क्लियरली दिखा रहे हैं कि किस किस तरह से चेंज हो रहा है जैसे पहले पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो अपर लेयर है वो ओरल एपिथिलियम की है नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है फिर लेमिना प्रोप्रिया है इस तरीके से लेयर है ये माउथ की आ, हम कह सकते हैं लेयर है इसके अलावा ये दिखाया गया है कि अगर एक ब्लड वेसल को अंदर से देखें तो एक सर्कल दिखाई देगा जैसे मान लीजिए एक पानी का कोई पाइप है उसको अगर आप कट कर देते हैं तो सर्कल दिखता है ल्यूमेन दिखता है उसका सिमिलरली यहाँ पे भी दिख रहा है तो यहाँ पे जो इनर कवरिंग है उसकी वो इनर लाइनिंग एपिथिलियम से है और जो थर्ड है वो वही है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरीके से जो है और ब्लड वेसल्स है वहां पे एपिथेलियल लाइनिंग होती है और इसकी वजह से इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाता है।, है।, तो है तो ऐसे बहुत सारे वाइटल फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी बॉडी में जहां पे हमें जरूरत होती है इनकी एपिथेलियल टिश्यूज की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे इस डायग्राम में बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि है है, मतलब कि सेल्स जो हैं काफी क्लोजली प्लेस्ड मतलब इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत कम है कम काफी क्लोज ये हुँ। और ये और एक पतली सी लेयर बना रही है तो जहां पे एकदम पतली लेयर होती है जो सेमी परमियबल भी होती है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटीरियल ईजी हो जाता है उसको हम सिंपल स्क्स एपिथिलियम कहते हैं तो स्कोमस का मतलब क्या है स्केल जैसे कई बार ये भी जरूरी है बल्कि मैं यहाँ स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं साइंस में भी पढ़ते हैं तो साइंस जैसे आपने शुरुआत में सेशन के कहा था कि बच्चों को कई बार बड़ी डिफिकल्ट लगती बहुत है। बहुत कई बार बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कभी कभी समझ नहीं आता फिर दोबारा से पढ़ते हैं फिर दिक्कत होती है हाँ, तो इस तरह की चीज़ तो है। उसका सोल्यूशन है कि जो भी शब्द टेक्निकल टर्म्स साइंटिफिक टर्म्स हमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनका ना केवल हम पढ़े मतलब, मतलब, तो तो मतलब अगर जान जाएंगे कि वो स्केल है पतली लेयर है तब वो उससे उसका मतलब समझ पाएंगे उसकी मीनिंग को समझ पाएंगे तो सिंपल स्क्स एपिथिलियम उसको हम कहते हैं अब मैम ये जो एपिथिलियम होती है ये अलग अलग फॉर्म ले लेती है जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि कई जगह एपिथिलियम क्या होती है वो लेयर्स में होती है की बात में अभी कर रही थी. न तो, हाँ, तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर हमने कोई लिया, की इनर उसका करके एक है, स्लाइड बनाते हैं तो वहां पे उसको देखते हैं न्यूक्लियस के लिए हम देख सकते हैं ऐसे अगर हम आगे एडवांस माइक्रोस्कोप में देखें और स्किन का हम सेक्शन ले तो वहाँ पे हमें दिखता है कि ये मल्टी लेयर होती है स्किन एक सिंगल लेयर नहीं होती और इसको अगर हम आम भाषा में देखें तो आप देखेंगे कहा जाता है कि

एक और इसकी हम कह सकते हैं वैरायटी कह या प्रकार कह लें, लें एपिथिलियम का आ, वो होता है कॉल्यमिन एपिथीलियम तो जैसे कि नाम इट बता रहा है कॉल्यूमिनियर का मतलब कॉलम्स होते हैं तो कई जगह फंक्शन के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है तो जैसे अगर हम इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की बात करें जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम हो रहा है डाइजेशन के लिए वहां पे अगर हम एपिथेलियम देखते हैं तो वो कॉल्यूनर इन शेप होती है क्योंकि वो उसको ईजिली फैसिलिटेट करता है सिक्रीशन को भी और एब्जॉर्प्शन को भी तो इसलिए कॉल्यूनर एपिथिलियम हमें इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है इसका एक और वेरिएशन देखने को हमें मिलता है अपनी बॉडी में जिसको हम सिलियेटेड सिलियेटे कॉल्यूनरियम मतलब मतलब कहते -like रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर हम देखें अपने स्टिकी मटेरियल तो वहां पे सिलिया का रोल होता है क्योंकि सिलिया क्या होते हैं उस म्यूकस को क्लियर करने में हेल्प करते हैं तो इसीलिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो एपिथिलियम मिलती है वो सिलियेटेड कॉल्यमनर एपिथिलियम होती है।, होती है तो ये तो हमारे प्रकार हो गए एपिथेलियम के अब लास्ट जो एपिथेलियम का प्रकार है वो है क्यूबर्डल एपिथेलियम क्यूबर्डल का मतलब क्यूब शेप

ले लेती है अच्छा और वो एक ग्लैंड के फॉर्म में काम करने लगती है तो एपिथेलियल सेल हो गई वो ग्लैंड सेल हो गई इसी तरीके से कई बार पूरा टिश्यू जो होता है वो ऐसे इनर शेप ले लेता है तो उसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं सो फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पेसिफिकल मे बी इट्स द स्वेट और मे बी इट्स द ऑयल ऑयल नेचुरल मेबी सीबम जिसको हम कहते हैं तो अलग अलग वेरिएशन हमें में देखने को मिलते हैं और इसको हम मैं स्टूडेंट्स को यह कहूंगी कि जैसे कई बार क्या होता है कि यू नो इट इज अ ब्लेम विच इज पुट ऑन बायोलॉजी दिस इज वेरी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर ये

ये क्यों इंटरेस्टिंग है क्योंकि ना इसके नाम से ऐसे पता नहीं चल पाता कि किस तरह का टिश्यू होगा तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे समझें कि Uh, इसको हम कैसे समझ सकते हैं हुँ. अब इसमें क्या है नाम से ये तो नहीं पता चलेगा कि इसका प्लेस क्या है right. पर फंक्शन पता चल रहा है देखिए फंक्शन है कनेक्टिव मीन्स टू कनेक्ट 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 करे तो अब बहुत सारे हमारे हुँ. इस तरह से बॉडी ऑर्गन हमारे जो है वहां पे ये टिश्यूज होते हैं जो कि कुछ ना कुछ कनेक्ट कर रहे हैं हुँ. तो जैसे कि इस डायग्राम में स्टूडेंट देख सकते हैं मैंने ब्लड का डायग्राम दिया है हुँ. तो ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है तो कई बार क्या होता है कि ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा कहीं ऑर्गन होगा उसके अंदर टिश्यू होंगे लेकिन ये तो फ्लूड है ब्लड तो कई बार नहीं हम समझ पाते लेकिन जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है कनेक्टिव टिश्यू होता है और ब्लड की अगर हम संरचना को समझे मैम तो उसमें अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी फाइव परसेंट प्लाज्मा होता है और बाकी जो है वो हमारी सेल्स होती हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड में प्राइमेली uh, तीन तरह की सेल्स होती हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और दूसरी होती हैं व्हाइट ब्लड सेल और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स और इसके अलावा प्रोटीन होती है एंजाइम्स होते हैं अलग अलग केमिकल्स होते हैं तो जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन उसका अलग अलग तरीके से है तो यहाँ पे इसका पूरा काम क्या है कनेक्ट करना अगर ब्लड को देखे तो एक वाइटल फ्लूड है इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते जो हम खाना खा रहे हैं वो खाने का जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको सेल्स तक ब्लड लेके जा रहा है हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उस ऑक्सीजन को भी ब्लड लेके ले जा रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी किडनी तक अगर लंग्स तक देखें तो ब्लड ही ला रहा है तो ब्लड का बहुत वाइटल फंक्शन है इसीलिए कहा जाता है कि हमें बल्कि मतलब अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए एवरी थ्री मंथ सिक्स मंथ हमें करना चाहिए क्योंकि ये हमारा बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मीन है लोगों की हेल्प करने का क्योंकि ब्लड को हम देखें तो उस तरह से फ्रिक्वेंट प्रोडक्शन आर्टिफिशियल लेवल पे हम नहीं कर पाए तो नेचुरली हमें जरूरत होती है तो ये करना चाहिए जी। तो ये वाली चीज है हमारे कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम इसको आगे देखें और तो बोन्स जो होती है हमारी बॉडी में ये भी कनेक्टिव टिश्यू तरह है तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लड का जो स्ट्रक्चर है और बोन का जो स्ट्रक्चर है काफी अलग है लेकिन फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या है बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रही है यहाँ पे अलग अलग सेल्स होती है बोन में और वो एक दूसरे के साथ होती है जी तो वहां पे क्या था ब्लड में सेल्स अलग अलग थी दूर दूर थी उनके बीच में जो फ्लूड है लिक्विड है मेट्रिक्स है वो काफी इंटरस्पेशियस है इंटर सेलर स्पेस ज्यादा है लेकिन बोन्स को देखें तो वो सॉलिड है उनके बीच में इंटरसेलुरर स्पेस कम है कॉम्पैक्ट है मैट्रिक्स hmm. जो है वो कम है सेल्स पास पास है और वहां पे कैल्शियम और फॉस्फोरस का मैट्रिक्स होता है हाँ, इसलिए तो, कहा जाता है बच्चों को भी और बड़ों को भी स्पेसिफिकली hmm. वीमेन को कहा जाता hmm. है कि पोस्ट थर्टी हमें कैल्शियम का और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नेचुरल हार्मोनल प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि में देखा गया है आर वेरी नॉट केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ तो क्या होता है कि वो बोन्स जो होती है वो कहीं ना कहीं उनकी डेंसिटी लेस होने लगती है तो कैल्शियम की कमी होने लगती है तो अगर कैल्शियम कम होगा तो इंटरसेल्यूर स्पेस जो हमारी बोन्स का है वहां पे कमी होनी शुरू हो जाएगी तो वो खोखला जिसको कहते हैं आम भाषा में कहा जाता है, तो मतलब है? मतलब है, 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 है तो इसकी वजह से उनकी जो डेंसिटी है, हो है, तो है एक्सीडेंट होता है तो इसीलिए बोन को भी हम समझेंगे किस तरह से अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल है जो मिलकर हमको क्या कर रहे हैं स्ट्रेंथ दे रहे हैं हमारी बॉडी का जो पूरा फ्रेमवर्कलेटन है वो बोन से मिलकर बना हुआ है अगर बोन नहीं होती

है तो सारे टिश्यूज जो है वो भी कई बार मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है अलग अलग तरीके से बनाते हैं इसीलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है अगर उसको हम डिटेल में पढ़े तो बड़ी ही आश्चर्य की चीज है क्योंकि इतना हाई लेवल का मतलब कहा जाता है कि भाई किस तरीके से प्रोग्रामिंग है हमारी इसकी तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको पढ़ना इसके अलावा एक लेगामेंट हो, होता है मैम वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है आपने सुना होगा कई बार किसी की आ, कहीं पे जैसे बैंडेज लगी हुई है कुछ है तो आप पूछते हैं क्या हो गया तो बोन फ्रैक्चर हर बार नहीं होता है कहा जाता है लिगामेंट जो है वो ब्रेक हो गया है ट्विस्ट हो गया है तो ये लिगामेंट क्या चीज है इसकी भी क्यूरोसिटी कई बार रहती है और इनफैक्ट इसका एक कंफ्यूजन ये रहता है कि टेंडन क्या है दोनों चीजों को मैं बताना चाहूंगी साथ में कि इसमें इस तरह से विद्यार्थी समझ सकते हैं कि जो लिगामेंट है वो एक ऐसा हमारा कनेक्टेड टिश्यू है जो कि दो बोन्स को कनेक्ट करता है क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो बोन्स हैं वो बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है तो जहाँ पे दो बोन कनेक्ट हो रही हैं जॉइंट्स पे वहां पे अगर कोई भी ऐसी चीज ना हो जो फ्लेक्सिबिलिटी उनको दे तो वो तो एक दूसरे के अगेंस्ट घिसेंगी ना वाइब्रेशन होगा तो किस तरीके से अब हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता हम तो बड़ा फ्लुएंटली काम करते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू है तो लिगामेंट एक, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन को बोन से जोड़ता है जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चे की जो लेगाशन है फीमर बोन है ये थाई बोन है ऊपर और नीचे हमारी जो बोन है वो काफ की बोन है तो यहाँ पे किस तरह से लिगामेंट जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है दूसरा एक जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको टेंडन कहते हैं हम टेंडन का मतलब होता है कि जो मसल्स हैं उनको बोन से कैसे अटैच करना है तो जो मसल्स की पोजीशनिंग बोन रहती है वो टेंडन की वजह से रहती है और बोन्स और बोन्स आपस में जो कनेक्ट होती हैं वो हमारे की वजह से होती है। तो ये और टेंडन भी काफी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि अपना अपना रोल प्ले करते हैं यहाँ पे देखिए एक रिलेटिव डायग्राम मैंने इसीलिए लाई थी कि बच्चे देख पाए कि किस तरीके से जो हमारी फीमर बोन है और टेबिया बोन है ऐसे अलग अलग सारी बोन्स में ही रहता है में जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे फॉरवर्ड साइड पे जो टेंडन है वो मसल को बोन से अटैच कर रहा है और जो लिगामेंट है वो दोनों बोन्स को आपस में अटैच कर रहा है hmm. तो ये हमारे टिश्यू हैं इस तरह से मैम एक और टिश्यू होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं hmm. है कार्टिलेज hmm. कहते हैं ये hmm. बड़ा ऑब्जर्वेबल जैसे नोज का टिप देखें hmm. ये सॉफ्ट होती है नोज hmm. का जो टिप है ना hmm. लेकिन खाली स्किन तो नहीं है मसल भी नहीं है सिमिलरली इफ वी सी द पिन्ना एक्सटर्नल ईयर hmm. उसको hmm. देखें hmm. या फिर हमारी ये जो लेरिंग होती है वोकल कॉर्ड होती है जहां से हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है ध्वनि प्रोड्यूस होती है तो वहां पे भी तो यहाँ इन तीनों जगह हम देख सकते हैं कि इसमें पे कार्टिलेज होती है और ये एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे जो सेल्स होती है, उनके बीच में जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है प्रोटीन है।, है शुगर है इस तरह की चीजें हैं और कार्टिलेज का देखिये तो एक तो रोल है ही है जैसे नोज को देखे तो नोज बोन इस डायग्राम में बच्चे देख सकते हैं ऊपर होती है बाकी का आगे फ्रंट पोर्शन जो है वो कार्टिलेज ही है इसी तरीके से ईयर में जो हमारा साउंड कलेक्शन का पूरा एक्सटर्नल ईयर है वो कार्टिलेज से मिलकर बना है सॉफ्ट स्ट्रक्चर है हम मूव कर सकते हैं फिंगर से साउंड प्रोडक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वहां पे, भी पे भी कार्टिलेज ही है तो इसलिए हम देखेंगे और इसके अलावा एक और रोल है मैम कार्टिलेज कार्टिलेज का कार्टिलेज जो होता है वो हमारे बोन्स के जॉइंट वाले एरिया में भी होता है तो दो बोन्स जब आपस में जॉइंट हो रहे हैं तो लिगामेंट भी अपना रोल प्ले कर रहा है और साथ ही साथ कार्टिलेज भी है जो कि उनको सॉफ्ट सर्फेस दे रहा है फ्लेक्सीबिलिटी दे रहा है तो ये भी वहां पे होता है जी। एक लास्ट है यहाँ इसके साथ में अंत करूंगी एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू ये कहीं ना कहीं एक स्पेस देता है सपोर्ट देता है ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है हमारे स्किन के नीचे भी होता है हुँ. तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं वो हमें मिलता है और लास्ट में बिल्कुल एकदम फेमस एडिपोज टिश्यू जो कहा जाता है हम मोटे हो गए ओवेस हो गए <laughs> है ना क्या हो रहा है हाँ आजकल सबसे ज्यादा यही ये समय तो ये बड़ा है तो ये हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू होता है तो ये हमारे स्किन के नीचे होता है और हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में भी होता है तो इसका एक्चुअली काम तो क्वेश्चन होता है तो एक कहते हैं तो चाहिए। ऐसा चाहिए। नहीं है कि बिल्कुल जीरो करें हम लेकिन जब ओवर हो जाता है तो ऑब्वियसली की प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे एक अलग तरह की सेल्स होती है जिनको हम एडिपोज होता है और यहाँ पे फैट डिपोजिशन होता है तो जितना भी एक्स्ट्रा फैट हम ले रहे हैं या फिर रिक्वायर्ड है वो यहाँ डिपोजिट होता चला जाता है सो ये मैंने आज मैम कोशिश करी थी कि स्टूडेंट्स को मैं दो तरह के टिश्यूज पे फोकस कर पाऊँ पहला मैंने एपिथिली टिश्यू

तो थोड़ा सा पता लगाइए आजकल बहुत इस बारे में चर्चा होती है विमर्श होता है कि टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है इसको एक नई लेटेस्ट टेक्निक है इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ह्यूमन बींग्स की तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा थोड़ा समझिएगा और हो सकता है कि ये आपकी बुक में ना हो ट्रेडिशनल ना हो लेकिन एक्सटेंसिव लर्निंग या फिर एक्सटेंडेड लर्निंग जिसको कहते हैं उसके अंदर इसको जरूर एक्सप्लोर करिए और पता लगाइए कि लेटेस्ट टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है और इसको हम अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका वाशनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आई हमसे जुड़ी और बच्चों को इतनी ज़रूरी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बताई बहुत बहुत धन्यवाद आप थैंक यू तो जैसा हमने कहा सभी बच्चों को हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे एक तो मैम ने जो क्वेश्चन कहा है आपको आप प्लीज़ उसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और जो आज आपने पढ़ा इसे है इसे दोहराइएगा भी ज़रूर क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ आपका थोड़ा सा कुछ रह गया है और अगर रह गया है तो आप हमें क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं और हमारा ई मेल फ़ोन नंबर हमने प्रोग्राम के शुरू में ही आपको बताया था और लगातार हम आपको बताते रहते हैं आप इस पर अपना कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं फिलहाल आज के सेशन में इतना ही दीजिए इजाज़त नमस्कार